सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूँ। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आपको भी पता होगा कि जगतगुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तब आपने जगतगुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास, उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12वीं सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं, और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था, और यहां पर जो पिछले बार मैं जब आया था, जिस स्टैच्यू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था, तो वहां जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए, हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है जी, हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है। हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता। आपको जानकर के खुशी होगी, 12वीं सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे, और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें, 12वीं सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके, ऊंच नीच जातिवाद को समस्या करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती, उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नितन नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है। जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में, और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहां जाने का सौभाग्य मिला था, और हम सब भगवान, और मैं तो चाहूंगा कि हमारे स्कूलों के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए।